तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, ग्राउंडेड बॉय ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है, इसलिए आपसे विनती है पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। और अभी जैसे कि मैं रहता हूँ गोवा में, और घर मेरा ओरिजिनली आसाम में है। तो गोवा में जब मैं पहली बार आया था, तो उस टाइम मतलब मैं कुछ पाइनएप्पल के थोड़ा पौधे लगाए थे, तो वो अभी बड़ा होके उसमें फल भी आना शुरू हो गया है, मतलब पक भी गया है एक पाइनएप्पल। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, और उसको ले जाके मतलब ऐसे जगह पे, ऐसे एक लोकेशन पे खाएंगे जो कि आप लोगों को देख के मजा आ जाएगा। उस लोकेशन से मतलब गोवा का पूरा एरिया दिख जाता है ऑलमोस्ट। तो मैं पहले आप लोगों को वो पाइनएप्पल दिखाता हूँ, उसको तोड़ के लेके जाएंगे। उसके साथ और भी बहुत कुछ लेके जाएंगे, सिर्फ पाइनएप्पल नहीं है। क्या क्या लेके जाते हैं आप लोग जरूर से बने रहिए। और वो सब सिर्फ पैर से ही लेके जाएंगे, ऐसे कुछ खरीद बरीद के नहीं लेके जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, मजा आएगा। तो चलिए वो पाइनएप्पल पहले तोड़ लेते हैं। और मैं लगाया था ये जो एरिया है, ये खाली खाली एरिया, इन सब में पाइनएप्पल का पेड़ लगाए थे। जैसे कि इधर लगाया था, लेकिन वो हुआ नहीं। इधर दो तीन आपको दिखने को मिल जाएगा। और बाकी इधर है, ये देखिए, ये है, ये एक है, इधर भी एक है, उधर नहीं हुआ बाकी। और उस साइड में भी थोड़ा हुआ है, एक दो पेड़ उस साइड में भी है, मतलब इधर से ऐसे जाके अंदर के साइड। बाकी आज इसको लेके जाएंगे, इसके साथ और भी बहुत कुछ लेके जाएंगे, खाने पीने का सामान। और चलिए तो फिर इसको तोड़ लेते हैं पहले। तो हाय हाय हाय, ये देख सकते हैं पक गया है। ऐसा मतलब फ्रेश शीश खाने का मजा ही कुछ और है। डायरेक्ट पेड़ से काटो और खाओ। ओए होए होए, वो भी एक ऐसे लोकेशन पे जो मतलब जन्नत जैसा फील दे। और वो लोकेशन देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए लेके जाते हैं, अभी और भी सामान लेना है तो उन सबको भी लेके लेते हैं। तो पाइनएप्पल तो निकल लिया मैंने अभी, और दूसरा एक चीज लेने के लिए आया हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। वो भी पूरा ताजा ताजा पेड़ से लेने जाएंगे। ये देखो, ये है बेर, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखो, इधर आ गए बेर लेने और मेरे साथ आया है ये। अभी इधर से थोड़ा तोड़ के लेके जाएंगे, बोर्ड है उधर भी। इधर का लोग इतना पसंद नहीं करता है ये सब चीजें। और हम तो जब छोटे थे, इसके उम्र के थे, तब तो गांव में ऐसा बेर होने का जश्न बनाते थे। चलिए तो फिर तोड़ लेते हैं पहले। देखिए कैसा चढ़ेगा अभी। देख कट, थोड़ा ये काटा है तुझे दोस्त। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा यार। देखो ऊपर चढ़ा, हे भगवान मेरा सिर फूट जाएगा आज। और एक बार हिला और दो बार हिला।
एक, अरे बस ये देखो भगवान, एक बार हिलाओ, इनको दिखाता हूँ कैसे गिरता है, देखना देखो। अरे मैया मेरा सर फट गया, ये देखो ये देखो बेरो। तो इधर बहुत सारा गिरा लिया है हमने, ये देखो ये दिखा। ये देखो ये भर रहा है, इसे कहते हैं फ्रेश फल। तो चलिए इन सबको पहले पोथी में भरते हैं, उसके बाद लेके जाते हैं खाने के लिए। तो कितना निकला ये देखो भगवान, ओए हो। दो किलो हो जाएगा। हाँ। अभी अभी हम दोनों जाते हैं एक अच्छे लोकेशन पे और उधर ही खाएंगे, वो पाइनएप्पल भी लेके जाएंगे, वो रूम में रखा हुआ है, तो चलिए। जिस लोकेशन के बारे में मैं बता रहा था सुबह से, वो लोकेशन पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये मतलब एक पहाड़ी एरिया है, ये सब नीचे का साइड है सब, और मैं अभी इधर से आया, इस वाले रास्ते से आया, बहुत नीचे है, ऐसे पूरा ढलान है थोड़ा आगे से, और यहाँ से मतलब पूरा गोवा का व्यू मिल जाता है चारों तरफ। लेकिन ये थोड़ा सा नीचे, इसके ये वाला लाइन है ना, ये वाला इधर और ऊपर जाएंगे तो इधर और ऊपर है थोड़ा सा, उसके बाद पूरा व्यू मिल जाता है। लेकिन अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही शाम हो चुका है और मुझे जल्दी जल्दी अभी अंधेरा होने के पहले इधर से निकलना पड़ेगा, अकेले आया हूँ, इतना भी सही नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मतलब रास्ता बहुत ख़राब है ना, तो पहाड़ी रास्ता है तो गाड़ी लेके जाने में थोड़ा दिक्कत पड़ सकता है, इसीलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। और बाकी व्यू तो चेक कर ही सकते हैं, थोड़ा सा मैं बैक कैमरे के साथ आपको व्यू दिखाता हूँ इधर का। ये अंधेरा होने के वजह से इतना मतलब क्लियर व्यू नहीं आ रहा है फिर भी, तो सामान इसमें लेके आया हूँ मैं, तो चलिए पार्टी शुरू करते हैं। देख ही सकते हैं इधर सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है खाने के लिए, अभी बस इधर ही बैठ बैठ के आगे का ये देखिए नज़ारा ले लेके शाम तक आराम से बैठ के खाएंगे। शाम तो हो चुका है, रात थोड़ा सा अंधेरा होने तक, और उसके बाद निकल लेंगे अकेले, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। और अभी मेरे पास क्या क्या है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास है बेर, ये है बेर, और इसमें थोड़ा नमक दिया हूँ मैं ये, और एक साइड में ये मिर्ची है, ये मिर्ची तीखा वाला बहुत खतरनाक तीखा है, इसका नाम भूत जोलोकिया है। भूत जोलोकिया कितना तीखा है आप एक बार गूगल करके देखिए, ये नोटिस में पाया जाता है, बहुत तीखा मिर्ची है ये, सिर्फ नोटिस में मिलता है। और बाकी हमारे पास ये पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल के साथ ये इधर थोड़ा नमक लिया और मिर्ची ये आधा है। उसके बाद ये सब खाने के बाद अगर बहुत तीखा लगा तो हमारे पास एक रेडबुल है और पानी एक बोतल है। तो बिना देरी के मेरे मुंह से तो पूरा पानी टपक रहा है, तो जल्दी से खा लेते हैं।
तो फिर चलिए खत्म करते हैं। ये जो सुकून है ना, जन्नत से काम नहीं है भैया। बस कभी अकेले ऐसे सुनसान जगह पे आके एक बार ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगता है। और आगे का अगर व्यू दिखाओ तो ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन खुले आंखों से बहुत अच्छा दिख रहा है। लाइटें लाइट हो गया इधर भी पूरा, इधर थोड़ा ऊपर जाते तो और बहुत पूरा व्यू मिल जाता गोवा का। लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं और एक दिन आएंगे अच्छे से आप लोगों को दिखाएंगे। तो तभी अभी के लिए इसको ख़त्म करके जाते हैं। तो इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ गया और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज एक सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके जाइएगा। और बाकी फिर मिलेंगे अगर आप चाहे तो एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।